शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बुड़दा गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने जेठ पर अश्लील छेड़छाड़ और नंदोई पर उसके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। गोवर्धन थाना पुलिस ने इस मामले में मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार मारपीट की इस घटना में घायल महिला ने इलाज के दौरान जिला अस्पताल में बताया कि जेठ की पत्नी की मौत के बाद जेठ उसे पत्नी बनाकर रखना चाहता है। जब उसने इसका विरोध किया तो जेठ और नंदोई ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। महिला ने बताया कि इस दौरान बस्ती के लोग तमाशा देखते रहे, कोई उसे बचाने नहीं आया। इसके बाद महिला ने घटना की रिपोर्ट गोवर्धन थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आदिवासी हो? आदिवासी। कहाँ रहते हो? बुड़दा। कहाँ पड़ता है ये? गोवर्धन से। जी, क्या हुआ आपके हाथ में, कैसे लगी? अरे नंदे ने और जेठ ने मारी मैंने। किस बात को लेके? कुछ थोड़ा सा झगड़ा हुआ। किस बात को लेके हुआ झगड़ा? इसकी घरवाली खत्म है गई। किसकी? मारी जेठ की। हाँ, तो इसने मेरी जीवा जट की कर दी थी। मैंने नौ ऐसा नहीं करा, तुम बड़े आदमी बड़े मन से बड़े है थे, नौ करो इसके नहीं करा। मैं मेरे अब मेरे से राखूँगा तेरे को। आपको राखेगा वो? हाँ, मैं राखूँगा फिर तेरे। मैंने करी कि मैंने उसने मारपीट करिए मेरे नंदी ने और ना मेरे जेठ ने और बाकी बहन के सासरे से और ले आया आदमी हमारे भाभी का आया। तो आप अकेली थी उस समय? हाँ, तब अकेली थी। पति कहाँ थे आपके? अरे पति बारह थे। मैं पति घर में रोटी बना पति घर में रोटी बना रहे। तो जेठ का नाम क्या है? जेने को जेठ का जिसने मारा था? कमल, कमल नाम है। कमल। और वो नंदेव? नंदेव का नाम बटोली। अच्छा। हाँ, तो थाने में रोक लगाई आपने? हाँ लगाई तो है। कब की बात है ये? आज की बात है, सवेरे की। सात बजे की बात है भाई साहब। तो आपको बचाने कोई आया नहीं? कोई नहीं आया, गांव वाले सब देख रहे, कोई नहीं आया। किसने नहीं बचाया? परिवार में कोई? किसी का नहीं बचा। चुप होने आपके? जी आज पति है। पति है जी। क्या नाम इनका? रणवीर। कौन सा थाना पड़ता है आपका? गोवर्धन।